नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ अमन। कल आपको एक खबर दिखाई गई थी, जो अग्रसन कॉलोनी के गड्ढे हैं उन्हें नहीं भरा गया है। प्रशासन द्वारा अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं दिया गया। हालांकि कॉलोनी वासियों ने 4 दिन से उपायुक्त पार्थ गुप्ता को भी इस मामले को लेकर नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जैसे ही कल खबर लगी है, उसका असर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि अग्रसन कॉलोनी के जो खड्डे हैं उन्हें भरने का प्रशासन द्वारा उन्हें भरने का काम यहाँ पर किया गया है। संबंधित विभाग द्वारा भी जो है इस पर कार्रवाई की गई है। ये स्कूल जो है डीजे पब्लिक स्कूल, यहाँ से छोटे छोटे बच्चों का रोज आना जाना यहाँ से रहता है, क्योंकि दिन रात जो ये सड़क चलती है तो किसी भी तरह का कोई भी घटनाक्रम यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए कल हमने आपको ये अपडेट दिखाई, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन कल जैसे ही खबर डली, उसके पश्चात ही आप देख रहे हैं कि जो ये खड्डा है उसे भरने का काम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ऐसे खड्डों के कारण जो है किसी की मृत्यु भी हो सकती है, किसी के जो एक्सीडेंट है वो भी हो सकता है। इसलिए अभी आप खड्डे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं अग्रसेन कॉलोनी की बात नहीं करूँगी, जो और भी कॉलोनीस है, सड़कें हैं, वो भी वहाँ पर भी जो खड्डे हैं उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, उन्हें भरने का काम नहीं किया जाता है। लेकिन अब जो है प्रशासन सोई हुई नींद से जाग उठा है, उन्होंने इस खड्डे को भराने का काम किया हुआ है। तस्वीरें आपको अग्रसन कॉलोनी से दिखा